साइंस तो इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलता है, फिर बाकी तो समझे अपने। तो मैं यहाँ पे आया तो भावनगर में नया नया था, कॉलेज में एंट्री मारी, मैंने एक भैया दिखे, मैं बोला इंट्रोडक्शन करते, मैं बोला हाय मैं प्रदीप चौधरी, तो बोलते क्या नाचू, ठीक है यार ना कॉमेडी करना है ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ लोगों को आपके जोक समझ में ही नहीं आते, आप बोलोगे ना तो उनका एक्सप्रेशन ऐसा रहेगा, मतलब दुनिया का सबसे अच्छा जोक मारा ना एक्सप्रेशन चेंज नहीं होना, भगवान ने उन्हें कोडिंग ही नहीं की, वो रह गया था जब वो कर रहे थे ना सब अपनी है ना जिंदगी है ना। 9th तक बहुत सही थी, 9th तक इतने मजे किए, जैसे 10th में आए सारा बैंड बच गया अपनी, तो मैं मेरा 10th का रिजल्ट आया, सब ऐसे घर में रिजल्ट आ गया, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मम्मी पापा सब लोग बैठे, फिर बोलते हैं क्या लोगे, मैं बोला बहुत गर्मी है शरबत पिला दो, तो बोलते हैं अबे बेवकूफ साइंस लेगा या कॉमर्स लेगा, बोला कॉमर्स लूंगा, तो मेरे को ऐसे देखे गए मैं तो कोई गुनाह करके आया हूँ, कॉमर्स लेगा तू, मेरे को मेरे चरित्र पे शक होने लग गया, अभी कॉमर्स, अब उनको सबसे बड़ी बात उनको पता नहीं साइंस और कॉमर्स में होता क्या है, साइंस से रिलेटेड वर्ड जो उनको पता है वो है साइंटिस्ट, तो बोलता है कि साइंस लेगा साइंटिस्ट बनेगा, कॉमर्स लूंगा तो कॉमर्सिस्ट बनेगा, ये फिर मेरे फूफा जी घर पे आए थे तो वो बोलते हैं साइंस में बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है, बेटा ये क्या बात हुई, अरे बहुत स्कोप है बेटा साइंस में, आपके पेरेंट्स ना बड़े झूठ बोलते हैं अपने से, मेरे को बोला 10th में है ना तू मेहनत कर ले तेरी लाइफ सेट हो जाएगी, मैंने बोला यार लाइफ सेट हो जाएगी चलो मेहनत कर लेता हूँ, मैं तो ना बहुत मेहनत की 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आए, फिर पता ना कुछ बदला ही नहीं, मैं 12th में आया पापा बोलते बहुत मेहनत कर 12th के बाद तो लाइफ सेट ही हो जाएगी, मैंने बोला चलो यार फिर मान लेते हैं इनकी बात एक बार, मैं तो बहुत मेहनत की यार फिर कुछ बदला नहीं, ऊपर से जिंदगी मेरी तो और खराब हो गई यहाँ पे, तो मैं बोला यार ठीक है, अब पापा बोलते कॉलेज में मेहनत कर लो तो पक्का तेरी लाइफ सेट है, मतलब शादी वादी हो जाएगी तो लाइफ सेट हो जाएगी, मेरे को लग रहा है ना जब कॉलेज खत्म होगा मैं घर पे जाऊंगा ना बोलूंगा अब तो झूठ बोल रहे थे यार कोई लाइफ पैक सेट नहीं हुई, तो मेरे को लग रहा है मेरे पापा ऐसा बोलेंगे हाँ मुझे पता है कैसा लगा मेरा मजा, थैंक यू भाई।